नमस्कार, ऐसे न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम लोग हैं बस अड्डे के पास, निगम बोध घाट है वहाँ पे, जहाँ पे हजारों की संख्या में अन्नदान करते हैं ब्रिगेडियर प्रेमजीत सिंह जी। प्रेमजीत सिंह जी, आपका ऐसे न्यूज़ में स्वागत है। नमस्कार जी। मैं ब्रिगेडियर जी, एक बात बताइए, आप ब्रिगेडियर हैं, आज आपको फौज में जो है आप बहुत अच्छे कार्यरत हैं, उसके बावजूद मैं देख रहा था आप प्लेटें धो रहे हैं, बर्तन साफ कर रहे हैं, इनको खाना खिला रहे हैं, ये सेवा है। तो ये सेवा करने की आदत आपको कहाँ से मिली, कैसे मिली, वो थोड़ा बताएं। ये तो गुरु नानक देव जी का बताया हुआ मार्ग है, गुरु तेग बहादुर साहब जी का बताया हुआ मार्ग है, जिसमें कि सेवा का करना ही बहुत उत्तम माना जाता है। और ये जो लंगर की प्रथा है, ये हमारे गुरुओं ने, सिख गुरुओं ने शुरू करवाई थी। तो ये ज़रूरतमंद लोगों को लंगर बना करके देना, ये तकरीबन 28 साल पहले हमारे पिताजी सिद्धार्थ लोचन सिंह पनेसर, जो कि झाड़ू वाले वीर जी के नाम से भी जाने जाते थे, उन्होंने शुरू की थी। शीशगंज गुरुद्वारे के सामने कुछ लोगों को खाना बांटना शुरू किया था, तो ये बढ़ते बढ़ते तकरीबन अभी 5,000 लोगों को रोजाना खाना बांटा जाता है, जो कि हम एक तिलक नगर जगह में हम खाना बनाते हैं और ये 10 जगह पे दिल्ली में ये इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। प्रेम जी, एक बात बताइए, ये जो इतना खर्चा होता है, इसके ऊपर ये खर्चा कहाँ से आता है? ये हम लोग खुद जमीन किराए पे लेकर के जमीन वो गेहूं उगाते हैं, मैं और मेरा छोटा ब्रदर कमल जी, उनका नाम कमल जी सिंह पनेसर है, जो कि खुद अपना बिजनेस करते हैं, और मैं भी आर्मी में ब्रिगेडियर हूँ और समय मिलने पर मैं भी सेवा में योगदान देता हूँ। तो ये जो पूरा वॉलंटियर बेसिस पे के ऊपर है, हमारा कोई अकाउंट नहीं है, ना ही हमारा कोई खाता है, ना ही हम पर्ची काटते हैं कभी किसी चीज़ की, और ये ईश्वर देता है और जो सामान मिलता है उसको हम यूज़ करते हैं। ब्रिगेडियर साहब, एक बात बताइए, ये जो हमारा न्यूज़ है पूरी दुनिया में जाएगा, अगर कोई आपकी संस्था से, आपके ऑर्गेनाइजेशन से या आपको सहयोग करना चाहता है कि कंट्रीब्यूशन करना चाहता है, तो उसके लिए क्या करेगा वो बताइए? हमारे को यहीं पे सामान दे सकते हैं, हम उसको पका के लोगों को खिलाने की कोशिश करेंगे। हम धन संपत्ति वगैरह लेते नहीं हैं, क्योंकि ये तो मिलजुल करके संगत के साथ किया जाता है। जो भी कोई सामान देना चाहे, कोई पट्टियाँ हों या कोई, हमारा पट्टियों का प्रोग्राम भी है, और वो जो अन्न है वो जिस प्रकार से, तो ये कोई भी सामान है वो दिया जा सकता है, हम पका के अगले दिन ले आएंगे, हमारे साथ मिलके बांटे जरूर, ये हमारी इच्छा है। आप थे ब्रिगेडियर प्रेम प्रकाश, प्रेम जी, जो आज ब्रिगेडियर होने के बावजूद भी प्लेटें धो रहे हैं और इनको मन से बड़ी शांति मिलती है, ये है। ऐसे में इससे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साहब। बहुत बहुत शुक्रिया जी, नमस्कार।